टीआरपी की लिस्ट में कभी पहले पायदान पर रहने वाले धारावाहिक अनुपमा की कहानी ने दर्शकों को इतना निराश किया कि पिछले कुछ वक्त से यह सीरियल दोबारा नंबर वन पर आने की लड़ाई लड़ रहा है। सोशल मीडिया पर यूं तो लगातार लोग अपना ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन शो में अभी भी कुछ खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए जानते हैं कि टीआरपी लिस्ट में नंबर चार पर पहुंच चुके इस धारावाहिक के बुधवार के एपिसोड पर पब्लिक का रिएक्शन कैसा रहा है। अनुपमा सीरियल में अनुज कपाड़िया के पाखी को लताड़ने वाले सीन को काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। ट्विटर पर एक यूजर ने इस सीन को शेयर करते हुए लिखा, इसे कहते हैं क्लास के साथ धुलाई करना, सीधी बात नो बकवास। बहुत लंबे वक्त से इंतजार था कि कब अनुज इस बदतमीज के होश ठिकाने लगाएगा, चलो कुछ तो ठंडक मिली। वहीं पाखी को डांट पड़ने वाले सीन को कई लोगों ने शेयर किया है। एक यूजर ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, जब अनुज कपाड़िया धुलाई करता है तो एक भी दाग नहीं बचता। वहीं एक शख्स ने लिखा, क्या अनुपमा को घर में एक और सास की जरूरत थी, जब उसके पास पहले ही कपाड़िया हाउस में पाखी शाह है। वहीं एक दर्शक ने वो सीन शेयर किया जिसमें अनुपमा अब्बा और बापूजी के पांव छू रही है। इस सीन को शेयर करते हुए सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, मुझे हैरानी है कि क्यों अनुपमा ने अपनी बेटी बाखी को बड़ों के पांव छूना नहीं सिखाया, आखिरकार वो भी अनु की तरह एक बेटी है। आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।